अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। अभी बहुत मेहनत मुशक्कत से लाइट सेट करके व्लॉग स्टार्ट किया है। काफ़ी दिनों बाद व्लॉग स्टार्ट किया है। कज़न की शादी आ रही है, साड़ी शॉपिंग हो गई है, हर किस्म की तैयारी हमने कंप्लीट करके व्लॉग स्टार्ट किया। व्लॉग ना बनाने की वजह थी, टेस्ट चल रहे थे और कॉलेज में काफ़ी ज़्यादा ज़िंदगी में मसरूफ थे अपनी। अभी लीव ली है कॉलेज से लंबी और कज़न की शादी इंजॉय करेंगे। बाकी अभी हम क्योंकि हम दूल्हे वाली साइड से हैं तो दुल्हन वाले की साइड से भी होता है, मामू ने गाना बांधना होता है। बाबा के भांजे की शादी है, बाबा मामू लगे, बाबा ने बांधना उनको गाना दूल्हे भाई को। तो अभी हम गाना लेने जा रहे हैं और अभी हम अपने नियरेस्ट बाज़ार जा रहे हैं और आहिस्ता आहिस्ता यहाँ से अगर पसंद आ गया तो वेल एंड गुड, नहीं तो आहिस्ता आहिस्ता आगे जाई जाएंगे। अभी हम लोग डूब गए हैं, गाड़ी बंद है, क्लच चेंज कराना था। अब ये ना समझना गाड़ी का पर्स को कहते हैं क्लच, लेडीज़ पर्स को जो छोटे साइज़ का होता है। हाँ, और भी दो काम है, बाबा उतर के गए हैं, मैं गाड़ी में बैठा हुआ क्योंकि गाड़ी आगे पीछे करनी पड़ सकती है, किसी के घर के आगे खड़ी है। ये शॉपिंग करके आ गए हम और अब आगे जा रहे हैं। अभी हम फिर रुक गए हैं, बाबा फिर मुझे आगे बिठा के चले गए बाजार में गाना ढूंढने के लिए। गाइस, गाना ले लिया, पसंद आ गया। बाकी दूल्हे को भी पसंद आ जाएगा। अच्छा गाइस, तीसरा काम हो गया, गाड़ी निकाल दी है, बाबा अब खुद चला रहे हैं, मैं फिर पीछे आ गया हूँ और गाना ले लिया। अभी चौथा काम करना है लेकिन उससे पहले हम लोग घर जाएंगे। घर जाते जाते फिर ब्रेक लगा लिए घर वालों ने, क्या कर सकते हैं। हाँ जी जी, जुत्ती नहीं लगती, मेरी जुत्ती नहीं मिल रही। बाकी ड्राइविंग सीट पे हम आ गए, पीछे से हम चला के आए, चलाते हैं कि वीडियो नहीं बनाएंगे। शॉपिंग करके घर आ गए, अब गाड़ी अंदर करते हैं। अभी हम लोग खाना खाने लगे हैं, इन भाई ने शुरू कर दिया, बाबा सामने कढ़ाई कहाँ रखी हुई है, कढ़ाई छुपा के रखी है, जगह काम से टेबल पे जगह खत्म हो गई है इसलिए। अब खाने के बाद मीठा खा रहे हैं। 6.5 hours later, गाइस रात को सो गए थे, सुबह उठे हैं, फ्रीज यूनिवर्सिटी चला गया, इसने बाबा और मैं मिलके सो गए। नॉर्मली रात को ही सोता नहीं, रात को पहरा देता है, रात को सो गया था। रात को सो गया था दिखाने गाइस, ये मेरी सिस्टर है, बगलोल हो गई है वीडियो बनाने का, क्या इसको समझ नहीं आ रही बनाने की। कहाँ पे? हाँ ये रेम्बो, ये देखे, हाँ ये गाइस ये देखे, हमारे सोलर पे रेम्बो बन गया, ये देख सकते हैं गायब हो गया। हम ऊपर से सोलर पैनल दबाए हैं और उसके बाद बाबा ने नीचे से पैची भी दिलवाया सारा। अभी नीचे आए हैं, कपड़े सारे गीले हुए हुए हैं और अभी मम्मा कह रही है नाश्ता ले के आओ। मैं ऊपर आया हूँ और बाबा ने मुझे कहा कि बाइक निकालो, जाना है जिस काम के लिए हमने रात को जाना था वो अभी हम करने जा रहे हैं। और रात को जो चौथा काम मैं कहता था रहता है वो यही था, अभी जाएंगे। और रात को ना जाने की वजह से उधर गाड़ी नहीं जानी थी, अभी बाइक निकालते हैं, बाइक पे चलते हैं। और धूप भी आज बहुत प्यारी निकल आई है और हमने आज फैसलाबाद के लिए निकलना है जहाँ पे शादी है, अपने कज़न होनों के घर, फूफो के घर जाना है, फूफो के बेटे की शादी है।
बाकी भी जाते हैं जो थोड़ा बहुत सामान लाने वाला है वो लेके आते हैं। बाबा और मैं जा रहे हैं, फिर आके देखते हैं आगे क्या तैयारी करते हैं निकलने की। इतनी देर में मामा पैकिंग कर लेंगे और मैं ऐसे ही जा रहा हूँ। बाबा मुझे कह रहे हैं कि तैयार हो जो, मैं कह रहा हूँ ऐसे ही चलते हैं वापस आके स्कूल से तैयार होंगे। बाहर इस टाइम धूप भी बहुत है और मिट्टी भी बहुत होगी। बाय द वे हमने नाश्ता कर लिया, नाश्ता करके घर से निकल रहे हैं। ये देखे गाइस, ये भी है। ये बाबा ने मुझे उठाया है और बाबा खुद वैसे के वैसे ही बैठे हैं यार, मोबाइल पे लगे हैं यार। बाबा अगर मैं बाइक निकाल लेता आप अंदर बैठे रहते, फिर आपने कहना था बेल क्यों बजाई। ये यहाँ पे मुझे देखे कपड़ा दे दो पापा। ये गाइस मेरी बहने खिलाड़ा डाल के बैठी है मम्मा के आगे कि केड़ी किट लेके जानी थी, केड़ी नहीं किट कैट ले जाते, ये सारी किटे छोड़ दो। जो बंटू खान की नहीं है ये भी अल्लाह है। माफ करे और ले आए हैं। ये भी है भी बनी। गाइस इतना मेकअप करके ये लोग क्या करेंगे। मैं बिल्कुल तैयार हूँ जाने के लिए। फरीद कॉलेज चला गया यूनिवर्सिटी, उस अपनी बाइक पे गया आज, नहीं तो वो भी गाड़ी पे जाता, आज गाड़ी इधर ही खड़ी है। अभी हम भी चलते हैं, वो भी मेरे ख्याल से बाइक पे इसलिए गया उसने आगे किधर जाना था और जल्दी वापस आना था, राइस से बचना था इसलिए बाइक पे गया। बाकी बाबा अभी भी नहीं बाहर है, हम फिर आ गए हैं बाइक निकाल लें, बाइक निकालते हैं फिर चलते हैं। अभी बिल्कुल रेडी हैं निकलने के लिए और बाबा ये खड़े, बाबा काफ़ी देर बाद मेरे पीछे बाइक पे बैठ रहे हैं। वह कैसा महसूस हो रहा है? ठीक है चल अभी चलते हैं बाबा को लेके। जाने के लिए छोटी छोटी गलियों का इस्तेमाल करना पड़ता भाई साहब, यहाँ पे बड़ा मुश्किल है ड्राइव करना। बाइक बिल्कुल जोड़ के लगा दी है साइड पे करके, और यहाँ से गिरी तो बाबा की जिम्मेदारी पे लगाई क्योंकि बाबा ने यहाँ लगाया और बाबा भी यहाँ खड़े होके काउंटर से बिल करा देंगे फिर देंगे बिल करा देंगे यहाँ से रसीद पे। चलो चलो बाइक सेफली उधर की उधर ही खड़ी बिल्कुल जोड़ के। अभी जो हमने अपने घर परिंदे छोड़ के जाने हैं उनके लिए खाने का बंदोबस्त कर रहे हैं, बाकी तो है एक इस तरह की बोतल लेनी है जो हमारा एक चूजा उसके लिए, क्योंकि उसको फिर पानी वो खुद ही पीता रहेगा इसके अंदर।
उस मार्केट से जिस साइज की हमें वो बोतल चाहिए थी नहीं मिली, तो अब हम इस मार्केट में आ गए बाबा बनेंगे। यहाँ पे काफ़ी साइजेस लगते हैं, सामने बिल्लियाँ भी हैं। अभी तो बड़ा हम ये लेते हैं और फिर घर चलते हैं। ये टैंकी का रखा है, सामान मिल गया, एक ये लिया और एक ये लिए बोतल। बाकी अभी घर चलते हैं, घर पीछे है, जाना आगे से होके पड़ेगा। लेने थे अभी अभी कटाइयाँ लेने गए थे, ये भी ले लिया बाबा ने, तोते भी ले लिए। ये दो बास्केट्स ली हैं और सजवाइयाँ, रुके पांच जगह इसके लिए, लेकिन वीडियो नहीं बनाई। मैं बाइक से नहीं उतरा था, बाबा खुद ही उतरे थे। अभी यहाँ से ले ली हैं और ये बाकी सामान बाबा के हाथ में है, और खताइयाँ मैंने आगे लटका दी हैं ताकि बाबा को ज़्यादा सामान ना पकड़ना पड़े। इतना ज़्यादा सामान लेने के बावजूद अभी बाबा कह रहे हैं फल ले के चलते हैं। कभी कहते हैं बाद में लेने आ जाएंगे, अब कह रहे हैं ले के चलते हैं। ये और चीज़ें लटकाई जा रहे हैं बाइक के हैंडल के साथ। चलो फल ले लिया बाबा ने, अब चलते हैं। स्ट्रॉबेरी भी ले लिया ढूंढ के, घर पहुंच गए और ये सारा सामान आ गया बाइक के ऊपर सक्सेसफुली। घर आ गए और ये जो बाबा ने तोते लिए थे वहां पे, उनको अनबॉक्स करके फिर से बॉक्स में डाल दिया जाएगा इनके साथ। ये केज बड़ा और तोते हैं मेरे, जितने मर्जी अंदर डालने थोड़ी लगते हैं हम, इसलिए आए दिन ला के इसमें डाली जाते हैं। और ये नीचे हमारे कबूतर हैं, इनके लिए भी बाउल लेके आए हैं। इस क्लिप की बता नहीं वीडियो के पीछे साउंड कैसे गायब हो गया। यहाँ पे मैं बता रहा था कि मैंने अपने शूज़ निकाले हैं और वो पीछे वाले कपड़े मेरे शादी के हैं, और ये आगे वाले एक मैं पहन रहा हूँ, ट्राउज़र शर्ट साथ कैडी कर रहा हूँ सोने के लिए। और अभी तैयार होना है, वो मेहंदी और बरात के कपड़े निकाल के रखे, नीचे शूज़ भी रख लिए हैं। यहाँ हमने अपना कैमरा भी निकाल लिया साथ ले जाने के लिए, और ये बास्केट सेट हो गई है घर आके। बाबा कह रहे हैं यहाँ बैठ के, मैं ऊपर अपना सूट निकालने गया था और बाबा ने ये कर भी दिए। ये बाबा अभी इसके अंदर खताइयाँ पैक करेंगे, नीचे शॉपर भी चाहेंगे इसके, और ये खताइयाँ इधर भी पड़ी हैं। ये शलवार कमीज़ मैंने इस्त्री कर ली अपनी, अभी ये पहन के जाऊँगा, और ट्राउज़र शर्ट मैंने साथ कैरी कर लिया बड़ा हाथ सोने के लिए। मैं भी रेडी हो गया हूँ, सूट पहन लिया मेरे, रेडी होते होते घर वालों ने इतनी जल्दी किया, सारा सामान भी गाड़ी में रख लिया और मुझे कह रहे हैं कि जल्दी करो जल्दी करो। दोपहर का खाना खा के मैं रेडी होने लग गया था, और मैंने थोड़ी सी देर लगाई, उतनी देर में ही घर वालों ने सामान रख लिया और भी घर से निकल रहे हैं हम। घर वालों ने डिग्गी फुल ऊपर तक फिल करके बंद कर दी थी, इसलिए मैंने वीडियो बनाने के लिए खोली, सामान ना बाढ़ आ जाए इसलिए वापस बंद कर देते हैं। अभी हम लोग घर से निकल गए हैं, अभी हम रुके थे पेट्रोल डलवाने के लिए, फ्यूल टॉप ऑफ करा लिया और अब उसके टायर प्रेशर चेक करा रहे हैं, फिर हम निकलते हैं। गैस ये खीर मेरी गोदी में आ गई है, और ये फैसला बात था किधर ही बैठ के जाएगी। रिंग रोड चढ़ गए हैं, नमाज पढ़ने के लिए रुके हैं यहाँ पे। ये बास्केट मामा ने आगे रखी है अपनी टांगों पे, और ये लेस वगैरह ली है यहाँ से खाने के लिए, और पाकिस्तानी ब्रांड्स की ली है साड़ी सुपर क्रीज पे। हाँ जी, Thank you.
वापस बैठ गए और चलने लगे यहाँ से। अब हम मोटरवे से उतर रहे हैं। इनके पास एम टैग नहीं ना होगा? कौन है यहाँ? एम टैग चलता कि नहीं चलता? क्यों नहीं चलता? अच्छा, अभी हम मोटरवे से उतर के शॉर्टकट लेते नहर डायरेक्ट फैसलाबाद की हमने पकड़ लिया और हमने फैसलाबाद के अंदर जाना है, सिटी के अंदर। हम बिल्कुल अपने फूफो के घर के पास पहुंच गए हैं, लेकिन अभी हम थोड़ा सा आगे जाएंगे क्योंकि हमने कुछ प्लान किया हुआ है। कोई नान के जाने हैं तो कोई ढोल टमका करके जाएंगे, तो अभी हम ढोल वाले का अरेंज करेंगे। बाकी हमारा सारा सामान तैयार है, आपने देखा था सुबह बास्केट्स भी बनाई थी। अभी यहाँ आगे आए हैं तो ये ढोल वाले बैठे तो हैं, गाड़ी सामने खड़ी है और अभी लेके चलते हैं, देखते हैं क्या हिसाब है। एक जगह से बात नहीं बनी, दूसरी जगह बात की है, वो हमें मेन बाजार से भी अंदर लेके जा रहे हैं अपने ऑफिस, देखते हैं क्या हिसाब है, मिलता भी है कि नहीं, क्योंकि वो कह रहे हैं पहले बुकिंग करानी पड़ती है, इस टाइम बंदा कोई नहीं आता। डील हो गई है डन, अब जाएंगे फूफो के घर और जाके ढोल के साथ उनको बाहर बुलाएंगे, बैल बुलनी भी जाएंगे, डायरेक्ट जाके ढोल भी जाना है। सब कुछ डन फाइनली ढोल वाले फाइनल हो गए और अब घर वापस जाएंगे, मतलब फूफो के घर जाएंगे अपने घर से। गाड़ी वापस आगे ले जाने के लिए हमने गली के स्टार्ट में खड़ी कर दी थी, अब इसको आगे लेके जाके फूफो के घर के आगे खड़ी करते हैं। गाइस, इन्होंने बहुत ही गलत बंदे को इस डब्बी के पास बिठा दिया कैमरे वाली। मैंने 10 मिनट पहले इसको बड़ा गंदा पंगा लिया, फिर खुद ही ठीक हो गया। अभी हम बाहर निकले हैं। कोई मैं रास्ते से हैं। अब्दुल्ला बोल तो पीछे है यहाँ ले। सही है, वो चाय शाय पी रहे थे ना, लेट हो। ये दूल्हा बैठा है और इसका थोड़ा सा सामान हमने ले लिया यहाँ से, बाकी भी रहता है और हम इंतजार कर रहे हैं। दूल्हे का दूसरा जो भाई है, छोटे भाई हमारे कजिन, वो सामान अंदर से लेने गए हैं, वो पहले की यहाँ पे हैं, वापस घर जा रहे हैं। घर आ गए थे, गाड़ी यहाँ पे खड़ी कर दी,
और ये घर पे लाइट लगी हुई है, लाइट्स लगी हुई हैं। ये हमारे बड़े कज़न हैं जिनकी पहले शादी दिखाई थी। बाकी अभी इसके साथ ही हम करते हैं अपने व्लॉग का एंड। व्यूअर्स हमारी वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज। और कल मेहंदी है तो कल मेहंदी का व्लॉग अलहदा से बनाएंगे, कल की सारी रूटीन अलहदा से। अल्लाह हाफिज। गाइस ये विद पैक हो रही है, शादी कराना इतना आसान काम नहीं है, दूल्हा बैठ के खुद कर रहा है। और मैं वीडियो बनाने में मशगूल हूँ, व्लॉग मैंने एंड कर दिया था, फिर भी मैंने कहा ये दिखाने वाली चीज़ है, दूल्हा भाई खुद ही लगे हुए हैं। गाइस ये विद बनाने के बाद पिज्जे आ गए हैं, खाना खा लिया था कब का। उसके बाद यहाँ ढोलकी बजी है, हम छत पे चले गए थे अपना बैठ गए थे जाके, और अभी पिज्जे आ गए हैं। रात के 2 बज रहे हैं। हाँ पहले ये टेबल निकाल लो।